हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव गार्डनिंग। चलिए फ्रेंड्स, आज अनबॉक्सिंग कर लेते हैं विंटर फ्लावरिंग सीड की। ये देखिए, इसे मैंने अमेज़न से मंगाया है। अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में आपका गार्डन फ्लावर से भर जाए, तो आपको इन सीड्स को अभी ग्रो करना होगा। देखिए, इसके अंदर बबल रैप था और उसके अंदर ऐसा एक पैकेट था। इसके पीछे साइड पर सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ये कृति कलर्स ब्रांड से है फ्रेंड्स। ये पूरा सील्ड पैक था, तो मुझे लगा कि इसमें सीड्स हैं भी या नहीं, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा कट करके देखा था। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर एक प्लास्टिक की सीड दिख रही थी। चलिए इसे पूरा कट कर लेते हैं। इसे कट करने के बाद ऐसा प्लास्टिक का एक पैकेट रिसीव हुआ। इसके अंदर प्लास्टिक के छोटे छोटे पाउचेस में इन्होंने बीज दिए हुए हैं, जिस पर शायद इन्होंने मार्कर से इनके नाम भी दिए हुए हैं। ये देखिए, एस्टर, पेटोनिया, आइस फ्लावर, कैलेंडुला, स्वीट विलियम, डेजी, अलाइसम एंड हेलिया। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि इन सीड्स को कैसे ग्रो करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले से ही एक ट्रे तैयार कर ली है। इनको ग्रो करने के लिए मैंने मिट्टी के पॉट ही लिए हैं और लकड़ी के चम्मच पर सारे नाम लिख लिए हैं, ताकि मुझे अंदाज़ा रहे कि कौन सा प्लांट ग्रो हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पिटूनिया है। इसके सीड्स देखिए कितने छोटे हैं, इन्हें सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। आप इसे पॉट में इस तरह से डाल दीजिए। सीड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐसे ही हम सारे सीड्स को इन सभी पॉट्स में उनके नाम के अकॉर्डिंग डाल देंगे। फ्रेंड्स, इस पॉटी मिक्स के लिए मैंने लिया है 50% कोकोपीट, 30% वर्मी कम्पोस्ट और 20% गार्डन सॉइल ली है। इन सीड्स को इसमें डालने के बाद अब बारी आती है इनको कवर करने की। कवर करने के लिए हम सेम पॉटिंग मिक्स यूज़ करेंगे और हमें इन्हें बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं दबा देना है, वरना इन सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हल्की हल्की सी मिट्टी इनके ऊपर डालना है, ताकि सिर्फ बीज कवर हो जाएं। इसको कवर करने के बाद अब बारी आती है इन्हें पानी देने की। पानी आप बहुत प्रेशर से मत दीजिए, कोशिश करिए कि आप स्प्रे पंप का यूज़ कीजिए या फिर बहुत हल्के हाथों से इन्हें पानी दीजिए। आप इनको चेक करते रहिएगा हर रोज़। अगर ये सूख रहे हैं, आपके यहाँ ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो आप इन्हें हर रोज़ हल्का हल्का पानी दे सकते हैं। ये देखिए, पानी देने के बाद अब इन्हें हम एक न्यूज़पेपर से कवर कर देंगे, ताकि इनका टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसके बाद हम इन्हें ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर कम से कम 1 घंटे की धूप आती हो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी।